हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है साथियों। जैसा कि आपको कल रात को बताया था कि श्रीगंगानगर सूरतगढ़ की पंचायत समिति से वहां से एक प्रेस नोट जारी हुआ था, जिनमें मतलब कि आगामी कुछ दिनों के अंदर ही कट ऑफ जारी करने को लेकर के प्रतिनियुक्ति पर एक कनिष्ठ सहायक को लगाया गया था। और उसी के संदर्भ में साथियों, एक आज नया प्रेस नोट जिला परिषद कार्यालय टोंक से जारी हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 15/3/2019 की डेट में प्रेस नोट जारी हुआ है। साथियों, आपको ले चलते हैं सीधा प्रेस नोट की ओर। और साथियों, जैसा कि आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी प्रकार मिलते रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। साथियों, ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला परिषद टोंक क्रमांक संख्या पर दिया गया है जिला परिषद टोंक /संस्था/2019/845 दिखा देते हैं आपको। दिनांक 15/3/2019 दी गई है। विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त, यहां पर समस्त पंचायत समिति विकास अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। विषय आपको दिखा देते हैं साथियों, स्क्रॉल करके कनिष्ठ लिपिक 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में। प्रसंग, श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F17E/PRAE2/BFC/2009-10/600 निवासी दिनांक 5/3/2019 यह आपका पत्रांक था साथियों, जिसके द्वारा आदेश पारित हुए थे श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के यहाँ से, कि ये इस प्रकार से कट ऑफ आदि इतने दिनों में जारी की जाएगी, इतने दिनों में नियुक्ति पदस्थापन, तो वो पत्रांक दिया गया है। तो इसके आदेश की पालना में अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिला परिषद टोंक से ये समस्त विकास अधिकारियों को इस आदेश की पालना में एक प्रेस नोट जारी हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं आपको। उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने हेतु कैलेंडर जारी किया गया है। उक्त भर्ती के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में पद रिक्त रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हों तो उक्त आदेशों की प्रति एवं पूर्ण प्रकरण सहित सूचना 3 दिवस में उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता करें। उपरोक्त सूचना पूर्ण समय पर नहीं भेजने पर जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर कट ऑफ जारी करने के यहाँ पर आदेश जारी हो गए हैं। नीचे आपको दिखा देते हैं 15/3/2019 और यहाँ पर नवनीत कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक, यहाँ पर नवनीत कुमार जी हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के, उनके साइन हस्ताक्षर भी हुए हैं और यहाँ पर 15/3/2019 यहाँ डेट डली हुई है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है और यह प्रेस नोट जारी हो चुका है साथियों जिला परिषद टोंक से। इसी प्रकार विभिन्न जिला परिषदों से यह प्रेस नोट आने शुरू हो गए हैं। कल आपको श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ के यहाँ से दिखा दिया था साथियों, अब आप देख पा रहे होंगे से भी जारी हो चुका है। तो साथियों, अब अगले 3 दिन के अंदर यहां बताया गया है कि 3 दिन के अंदर या तो आप कट ऑफ जारी कर दीजिएगा, नहीं तो समस्त आपकी जिम्मेदारी होगी और आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी साथियों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। जो नव चयनित होने वाले कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती जो 2013 के प्रतिभागी हैं, उनको यहां पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई साथियों। अब आपको जल्दी यहां पर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित कट ऑफ जारी होने वाली है और जल्दी आपको नियुक्ति मिल जाएगी और जल्दी आपके लिए पदस्थापन सूची तैयार की जाएगी। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी का इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां, और उनका तहे दिल से राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल आभार व्यक्त करता है। समस्त बेरोजगार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल आभार व्यक्त करता है साथियों। और साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। तो साथियों, जो भी मेरे भाई लोग थे इस भर्ती प्रक्रिया से पीड़ित, जिन जो कि पहले 19,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो 2013 में प्रारंभ हुई थी, अब उस पर 7,000 के लगभग पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी थी, लेकिन अब 10,026 पदों के आसपास नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई थी। तो साथियों, अब उसके लिए कट ऑफ सूचियां अब आगामी 3 दिवस के अंदर जारी करने को लेकर के समस्त जिला परिषदों से प्रेस नोट जारी होना शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये प्रेस नोट अब धीरे धीरे आ रहे हैं और आगामी तीन से पांच दिन के अंदर आपको कट ऑफ तैयार मिलेगी और आपको जल्दी आगामी 1 माह के अंदर आपके हाथ में नौकरी आने वाली है। तो सभी जो बेरोजगार भाई इस भर्ती प्रक्रिया से पीड़ित थे, उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अपडेट मिल रही है। तो साथियों, अब आपको जैसा पता है कि अब जल्दी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और जैसा कि आपको पता है कि यदि हो सकता है अगर ज्वाइनिंग में कुछ देर हो जाए तो, लेकिन क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, यदि ज्वाइनिंग में देर होती है तो साथियों, चुनाव आचार संहिता हटते ही आपको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग की जाएगी, क्योंकि इस भर्ती को कांग्रेस सरकार भी अब नहीं
ठंडे बस्ते में नहीं रखने वाली है, क्योंकि एक तो यह भर्ती कांग्रेस सरकार की थी, दूसरा इस भर्ती में आपको पता होगा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले विगत विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में ही जारी कर दिया था कि वो आने वाले अपने जो भी इस भर्ती प्रक्रिया से पीड़ित है उनको सबको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाएगी। तो इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत जल्दी फाइल को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया और तुरंत प्रभाव से इस प्रकार कट ऑफ आदि जारी करने के जो आदेश जारी करवाए थे साथियों, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है तो इसमें उनका इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने अपने स्तर पर सब कुछ कार्रवाई कर दी थी। अब फाइल चूंकि आगे जा चुकी है और अब 3 दिन के अंदर कट ऑफ जारी हो जाएगी, 3 से 5 दिन आगामी ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लग सकते हैं साथियों विभिन्न जिला परिषदों से जारी होने में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों की बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। तो साथियों सभी नव चयनित जो भाई लोग हैं बहने उनको राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा जो घंटा का निशान है उसको, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नई वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के सीधे नोटिफिकेशन वार में पहुंच सके और आप डायरेक्ट हमसे मुखातिब हो सके और डायरेक्ट आपको जल्द से जल्द सबसे पहले YouTube पर अपडेट मिल सके। तो धन्यवाद साथियों। आप यदि आपको ये अपडेट और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो और अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों तक जो इस भर्ती प्रक्रिया से पीड़ित थे उन तक पहुंचाइएगा, जिससे कि उनको भी अपडेट तीव्र गति से मिल सके और यह अपडेट मिलने के साथ ही वे भी अपने परिवार घर वालों के साथ खुशी साझा कर सके। साथियों आपका यह छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। धन्यवाद साथियों। एक नई वीडियो नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।